क्या लिखो मेरा कैमरा पकड़ाइयो कैमरा पकड़ाइयो सो गाइज अभी मनाली में हमारी फर्स्ट मॉर्निंग है ये, तो रात को मैं ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाया, तो सुबह शूट कर रहे हैं अभी हम। सो अभी बाइक्स देखने आए हैं और सामान निकाल रहे हैं, अभी सामान लगाने आए हैं बाइक्स में। तो ये हमारी रूम की पार्किंग थी और यहाँ से पूरा व्यू है मनाली का, देखते हैं कैसे कैसे अब कहाँ स्टे करते हैं। वैसे तो प्लान हमारा ये है कि आज हम मंडी को निकल जाएं और मंडी में जाके स्टे करें, वहाँ पे जाके रूम रखें, बट हम सोच रहे हैं कि आज मनाली में रह लें, मंडी में करेंगे ये भी क्या रह के, क्या बोलता है? हाँ, मंडी में क्या करते हैं। सो हमने डिसाइड किया कि यहाँ आसपास के दूसरा रूम रखते हैं। तो गाइज़ अभी मैं जस्ट होटल से निकला हूँ और अपनी बाइक मैं पार्किंग में लगाने जा रहा हूँ, बट जैसे मैंने ये वाला टर्न लिया, मैंने जो व्यू देखा ना, उसको दिखाने के लिए रुक गया। व्यू देखो यार, यहाँ से इतना मतलब प्यारा सा व्यू है ना, सुबह सुबह मन सा खुश हो गया मेरा। अभी मैं अपनी गैंग के लिए वेट कर रहा हूँ, कैनिश और राहुल अपनी बाइक्स लेके आ रहे हैं, फिर हम थोड़ी देर अपनी बाइक्स यहाँ पर पार्किंग पर लगाएँगे आगे और माल रोड घूमेंगे मनाली का। तो बहुत ब्यूटीफुल है यार, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। सो गाइस, ये जो आप जितना भी ऊपर वाला एरिया देख रहे हो ना, ये माल रोड है मनाली का, और ये जो है ये मनाली का NH है, आगे मेन हाईवे में कनेक्ट हो जाता है। पर भाई साहब यार, यहाँ से व्यू है देखने वाला है पूरा। आई थिंक यहाँ से आया था मैं रात को। एक बार बाइक्स, ओ भाई क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। रात को हमने अपनी बाइक्स यहाँ पे ही खड़ी की थी, टैक्सी स्टैंड है यहाँ का, यहाँ पे अपनी बाइक्स लगाई थी, तो आज भी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ बाइक। और ये सामने माल रोड है। सो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी हम होटल रूम देखेंगे, अभी देखेंगे या फिर शाम को देखेंगे, बट फिलहाल तो अभी हम टेंपल में जा रहे हैं। टेंपल का नाम मेरे को पता नहीं है, मैं रास्ते में बताऊंगा टेंपल का नाम, यहाँ पे लगा दे। गाइज अभी मेन मनाली माल रोड से हम निकल रहे हैं, एक टेंपल है उसका नाम हडिम्बा है, शायद हडिम्बा करके एक टेंपल है यहाँ पे। यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है, सो वहाँ पे जा रहे हैं इस टाइम, और हमने डिसाइड किया है कि यहाँ पे रहें आज। सो देखते हैं वहाँ पे जाके कैसा मंदिर है। गाइस कैसा लग रहा है आपको मंदिर? ये बहुत ही सेक्सी लग रहा है यार, फिफ्थ टाइम आ चुका हूं मैं यहां पे और बहुत ही मजा आ रहा है हमें, मंदिर बहुत ही सेक्सी है। सेक्सी होता मंदिर, मंदिर है साले, सेक्सी नहीं होते मंदिर। रीटेक 2। सो वी आर हियर नाउ इन हडिम्बा मंदिर, अभी हम एक्चुअली बाहर खड़े हैं, अभी हमने हडिम्बा मंदिर की छोड़ा। अपना नेक्स्ट स्टॉप कहां पे है हमारा? नेक्स्ट स्टॉप हमारा रहेगा रोहतांग पास। यहां से 60 किलोमीटर दूर है फिलहाल, तो अभी हम उसको लिस्ट से निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमने और भी मंदिर पे जाना है। वशिष्ठ टेंपल विजिट करेंगे जहाँ पे एक्चुअली गर्म पानी, हॉट वाटर स्प्रिंग्स वगैरह है, गर्म पानी निकलता है एक्चुअली वहाँ पे। और ये हमारा फ्रेंड बैठा है कैलिश, जो कि काफी अच्छे फोटोग्राफर है, यहाँ पे फोटो हॉट। ये हमारे अभिषेक। सो गाइस मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ मंदिर का, अपनी गैंग तो पूरी नीचे है अभी, आने का नाम नहीं ले रहे। मंदिर का व्यू है। A few moments later.
सो गाइज अभी एक होटल रूम ढूंढा है हमने यहाँ पे मनाली मेन मार्केट में, और चल 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 बस थोड़ा सा और। हमारा कमरा कौन सा है पे तुम कौन सा रूम ले रहे हो? मैं पहले ये वाला देख रहा हूँ, बेलकनी इधर भी है। सेक्सी व्यू ना, सेक्सी व्यू देख यार। बस करो यार, निकलते हैं। उठे रूम इज लोकेटेड इन सच ए गुड प्लेस, यू कैन सी द लोकेशन आउटसाइड। तो कहाँ जा रहे हैं अभी हम? अभी हम सिलांग वैली जा रहे हैं। सिलांग वैली जा रहे हैं, और सिलांग वैली यहाँ से कितना किलोमीटर है? हार्डली कोई 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है हाँ यहाँ से होगा। ठीक ठीक है, और वहाँ पे भी साफ है, और वहाँ पे तो वैसे भी बर्फ पड़ी हुई है, बर्फ काफी पड़ी हुई है, काफी ज्यादा पड़ी हुई है। नेक्स्ट ट्रिप और टाइम हो गया है, अभी टाइम 2 बज गए हैं पूरे। बस हम बस तो अभी हम निकलेंगे तो हार्डली 15 किलोमीटर, कम से कम आधा घंटा बाइक में जाएंगे। तो सो गाइज सोनाल वैली के लिए हम निकल गए हैं, और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से। ब्रेकफास्ट नहीं करा है सुबह का, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं यहाँ पे। ब्रेकफास्ट के 12 बज गए हैं, तो आपको फिर लंच ही समझो करेंगे हम, और सोलांग वैली का व्यू दिखा सकते हैं यहाँ पे। हम अपना ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, और यहाँ से अबाउट सोलांग वैली नियरली अबाउट 3 किलोमीटर है यहाँ से। सो लेट्स सी, एंड आई होप यू आर इन्जॉइंग द सिनेमेटिक शॉट्स। सो आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। नो तो पक्का जाते हैं, नेक्स्ट टाइम लेह लद्दाख का भी करेंगे। हाँ, 1 घंटे का प्लान बना हमारा कि नहीं, 1 घंटे के अंदर तो बन गया हमारा प्लान कि वहाँ चलते हैं। तो सो जिस एरिया में अभी हम हैं, यहाँ पे फ्रेश स्नो है पूरी की पूरी। सो गाइज वी जस्ट रीच सोनाल वैली, सोलांग वैली, और व्यू कुछ यहाँ से बहुत सुंदर सा व्यू है। तो चारों तरफ मतलब एक 360 व्यू एंगल लेंगे इसका, तो हर जगह स्नो स्नो है। We are finally in Brij Temple, which is located about 3 kilometers away from Manali. So here is a view of Brij Temple. जैसे मणिकरण में वैसा ही कुछ hot spring है। Okay. Oh my God. नहीं। तेरे को मजा तो आएगा। बोलिए कुछ।